नमस्कार, मेरा नाम आरती भारद्वाज है और आप सीनियर स्पिक्स देख रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो आपने देखा कि जितनी भी अक्षरा की फैमिली है वो लोग रिट्रीट गए हुए हैं, यानी कि मेडिटेशन रिट्रीट गए हुए हैं, लेकिन वहाँ पे मेडिटेशन के नाम पे कुछ भी नहीं है। उन्होंने बर्तन झाड़ू पोछा करवाया, कपड़े धुला, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे से भी कपड़े फोल्ड करवाए और नल से एक एक बूंद पानी गिराकर और सबको कहने लगे कि पानी तुम लोग जो है वो एक जगह पे रखो और पूरे पानी को मग से उठाओ। पूरे काम करवाया, बच्चों को पनिशमेंट भी दिया, लेकिन इस दौरान किसी का मन नहीं लगा। खाना बहुत गंदा था और जब वो लोग ये कहने आए कि बच्चे ने लैपटॉप तोड़ दिया है, तो अक्षरा और आरोही दोनों उन लोगों से लड़ने लगे कि बच्चे ने लैपटॉप नहीं तोड़ा है, आपका सामान ऐसा था, आप लोगों ने पैसे दिए हैं वो पैसे हमें वापस कीजिए। तो जो रिट्रीट वाले थे वो ये कहने लगे कि प्लीज़ आप पैसे देंगे। उन्होंने कहा कौन से पैसे, आपने हमसे सारे काम करवाए, हमसे कपड़े धुलवाई, वही कपड़े अब दूसरे लोगों को देंगे। इधर उन लोगों को पाठ पढ़ाने के बाद जब वो लोग घर आए तो जो अभिमन्यु का भतीजा था वो उसे मिलने के लिए आया था। अभिमन्यु की चाची ने कहा कि अभिमन्यु माफ़ कर दीजिए, ये मिलने की बहुत ज़िद कर रहा था तो मैं कैसे रोकती हूँ, तो इसलिए मैं इसे मिलाने के लिए चली आई। इस पर अभिमन्यु ने कहा कि प्लीज़ चाची मुझे सॉरी मत बोलिए, मैं आपको सॉरी बोलता हूँ क्योंकि उसको मिलाने के लिए आप बहाने बनाने पड़े मुझसे, इसलिए मैं आपसे बहुत सॉरी बोलता हूँ। हालांकि मंजरी से क्या अभिमन्यु अभी नाराज़ हैं, ये तमाम लोग जानना चाहते हैं कि क्या अभी जो अभिमन्यु है अपनी माँ मंजरी से बहुत नाराज़ है क्योंकि मंजरी ने वैसा काम ही किया। लेकिन इधर अक्षरा जो है वो अभिमन्यु से पूछती है कि क्या तुम्हें मेडिटेशन के लिए दूसरे जगह चलना, मैं बुक कर दूंगी। लेकिन अभिमन्यु कहता है कि नहीं, मैंने मेडिटेशन किया, मुझे बस पहले की बात याद आ रहे थे, मुझे कुछ नया नहीं लगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन फिलहाल अक्षरा और अभिमन्यु की शादी की अगली डेट फिक्स नहीं हुई है, वो कैसे कब होती है ये हम आपको जरूर बताएंगे।